हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका नया बैच 2024-25 के लिए और हम आपके पूरे सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद एक एक करके एक एक पूरा चैप्टर हम आपके लिए समझाने वाले हैं। अच्छे तरीके से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। ऑलरेडी इस चैनल पर बीए से रिलेटेड 2000 से भी ज्यादा वीडियोज अपलोड है। ओके, तो अब देखते हैं, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर की हिंदी का नया सिलेबस देखने वाले हैं कि बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपने हिंदी चूज किया है एज ए सब्जेक्ट तो आपको आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आइए समझते हैं, देखते हैं कि इस पूरे सिलेबस का क्या नाम है। तो इस पूरे सिलेबस में बीए थर्ड ईयर में हमको पढ़ना है हिंदी गद्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? हिंदी गद्य के बारे में। अब हिंदी गद्य के बारे में सबसे पहले यूनिट में आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का विकास, कि हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। अब हिंदी गद्य के विकास में कई सारे क्रम आपको देखने को मिलेंगे कि भारत में गद्य लेखन की परंपरा के बारे में बात करना है, कि गद्य के बारे में अगर आपको समझना है तो भारत में गद्य लेखन की परंपरा कब से है, किस तरह से स्टार्ट हुई ये परंपरा, हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि और विकास कैसे हुआ, हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, आदिकाल का टाइम पीरियड, भक्ति काल का टाइम पीरियड, रीति काल का टाइम पीरियड, इनके संदर्भ में बताओ कि हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि और विकास किस किस तरह से हुआ, पहले कौन सा काल आया, कौन सा टाइम पीरियड आया, कितने से कितने ईस्वी तक आया, कैसे इसका विकास हुआ, इस बारे में बात करनी है। आगे पढ़ना है आपको इसी यूनिट में आधुनिक काल में हिंदी का प्रारंभिक गद्य, आधुनिक काल में मॉडर्न टाइम पीरियड में हिंदी का प्रारंभिक गद्य कौन सा है। ओके, इसके बाद आपको पढ़ना है आधुनिक कालीन परिस्थितियों का हिंदी गद्य के विकास में योगदान, जो राइट टाइम पीरियड में अभी के समय में आधुनिक काल में परिस्थितियों का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान है, आज का जो टाइम पीरियड है इसका। हिंदी गद्य के प्रारंभिक उन्नयन में प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका, कि हिंदी गद्य का जो प्रारंभिक उन्नयन हो रहा था, हिंदी गद्य ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा था, तो उसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे और या संस्थाएं थी जिनकी भूमिका रही है इसको आगे लेके जाने में, इसके बारे में पढ़ना है, समझना है। 19वीं सदी में हिंदी गद्य लेखन के विविध आयाम, 19वीं सदी में हिंदी गद्य लेखन को लेकर के कई सारे आयाम आए, वो कौन कौन से आयाम थे, उनका क्या मतलब था, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है इसमें। हिंदी गद्य के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका, कि हिंदी गद्य का अगर आपको विकास करना है तो इसमें पत्र पत्रिकाओं की क्या भूमिका रही है, हिंदी गद्य का जो विकास हुआ है इसमें पत्र पत्रिकाओं ने कितना महत्वपूर्ण रोल निभाया है, तो ये सारा कुछ चीजें आपको पढ़नी है किसमें, यूनिट नंबर 1 में। तो यूनिट नंबर 1 में आपको ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में, कि हिंदी नाटक और एकांकी क्या है और उससे रिलेटेड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाटक की। नाटक में लिया गया है किसको, ध्रुव स्वामिनी नामक नाटक को लिया गया है, जिसके रचयिता है, इस नाटक को लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। अब इस नाटक के बारे में आइए कुछ चीजें समझते हैं कि इसके आलोचना के बिंदु क्या है, कि अगर इस नाटक की आलोचना करनी है तो उसके कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की नाट्यकला के बेस पर इसका आलोचना किया जा सकता है, कि जयशंकर प्रसाद की नाट्यकला क्या रही है इस जो है नाटक में, या नाटकों के तत्वों के आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है, कि ये जो नाटक है इन नाटकों के तत्वों के आधार पर, कि कौन कौन से तत्व इसमें है और उसके आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है, या फिर क्या आधार पर, नाटकों के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी की समीक्षा की जा सकती है। ध्रुव स्वामिनी में इतिहास, कल्पना और आधुनिक संवेदना के बारे में समझा जा सकता है कि क्या है, कैसे है, एंड ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कैसा है इस तरह से। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको इस नाटक से रिलेटेड, ध्रुव स्वामिनी से रिलेटेड चीजें समझनी है और जाननी है। तो नाटक आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है, कौन सा नाटक, ध्रुव स्वामिनी। एकांकी कौन सी आपको पढ़नी है, तो एकांकी पढ़नी है, यहां देख सकते हैं आप, एकांकी पढ़नी है औरंगजेब की आखिरी रात, औरंगजेब की आखिरी रात नाम की एकांकी आपको सेकंड यूनिट में पढ़नी है, जिसको लिखा है राजकुमार वर्मा ने। आलोचना के बिंदु कौन कौन से हैं वो देखने हैं। एकांकी के तत्वों के आधार पर औरंगजेब की आखिरी रात की एकांकी समीक्षा, कि औरंगजेब की आखिरी रात की एकांकी समीक्षा क्या है, कि कितना इंपॉर्टेंस था, कितना लिखा है इन्होंने, कैसे लिखा है। एकांकी का प्रतिपाद्य के बारे में समझना है, कि इस एकांकी का प्रतिपाद्य क्या है। तो यूनिट नंबर 2 में आपको नाटक के बारे में पढ़ना है कौन सी, ध्रुव स्वामिनी। एकांकी के बारे में पढ़ना है कौन सी एकांकी, औरंगजेब की आखिरी रात। तो ये रहा आपका सेकेंड यूनिट। आइए देखते हैं थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है हिंदी उपन्यास के बारे में। यूनिट नंबर 3 में हम हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। अब हिंदी उपन्यास में कौन कौन से हैं, तो गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। अब हमको गबन उपन्यास के बारे में समझना है, कि गबन उपन्यास क्या है, किस तरह से है और इसमें आलोचना के बिंदु क्या क्या है।
तो गमन जो ये आपका उपन्यास है ना, प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ, तो इसमें प्रेमचंद की उपन्यास कला का आलोचनात्मक अध्ययन करना है कि इनकी उपन्यास कला किस तरह से है, कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी है। उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन की समीक्षा करना कि उपन्यास में जो जो तत्व है ना, उन तत्वों के आधार पर इस उपन्यास की समीक्षा करना कि उपन्यास कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ओके, गबन के नायक और नायिका का चारित्रिक विशेषता, कि गबन में जो नायक और नायिका है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चारित्रिक विशेषता क्या है। गबन उपन्यास का उद्देश्य क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है, कि गबन उपन्यास जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा, जब भी मुंशी जी कुछ लिखते थे ना, उनका एक इंटेंशन होता था कि मैं इसलिए लिख रहा हूं, तो इसके क्या उद्देश्य है गबन उपन्यास की और इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है हिंदी उपन्यास के बारे में यूनिट नंबर 3 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, कि यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 4 में हमको पढ़ना है हिंदी कहानियों के बारे में। तो दो कहानियां आपको पढ़नी है इस यूनिट में। पहली कहानी पढ़नी है जिसमें पहली कहानी में आपका आता है आकाशदीप कहानी, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, और हार की जीत कहानी आती है जिसको लिखा है सुदर्शन जी ने। तो यूनिट नंबर 4 में आपको इन दो कहानियों के बारे में पढ़ना है। अब इन दो कहानियों के बारे में सबसे पहली चीज क्या समझनी है, कि आलोचना के बिंदु, की इन कहानियों को जब आप समझते हो पढ़ते हो तो इसमें आलोचना के बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं। तो इसमें आलोचना के बिंदु में सबसे पहली चीज है कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप और हार जीत कहानियों की समीक्षा कीजिए, कि कहानी के तत्व जो है उनके आधार पर यह समीक्षा कीजिए कि आकाशदीप या हार की जीत कहानी जो है ये कैसी है, कितनी अच्छी है, कितना इंपॉर्टेंट है ये कहानी, क्या दिखाती है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बात करनी है यूनिट नंबर 4 में। अब बात करनी है आगे इसी में पठित कहानियों के कथानक का सार और विशेषताएं, कि ये जो कहानी है इसको आप पढ़ते हो तो इसके कथानक का सार क्या है, इसका मतलब निचोड़ क्या है और इसकी विशेषता क्या है। जयशंकर प्रसाद और सुदर्शन जी की जो कहानी कला है कि वो कहानी कितने अच्छे से लिखते हैं, कितने अच्छे से बनाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद और सुदर्शन दोनों की कहानी कला की विशेषता के बारे में बात करो कि इनकी कहानी कला की विशेषता क्या है। तो ये आपको यूनिट नंबर 4 में ये सारा कुछ पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपकी दूसरी कहानी आती है, मतलब दूसरा चैप्टर है, दूसरा यूनिट है, जिसमें आपको पढ़नी है लालपन की बेगम, जिसको फणीश्वर नाथ ने लिखा है, और पिता एक कहानी जिसको लिखा है ज्ञान रंजन जी ने। तो इसमें भी क्या करना है, सेम चीज करना है कि आलोचना के बिंदु के रूप में कहानी के तत्वों के आधार पर आकाशदीप की जगह पे ये लालपन की बेगम, हार जीत की जगह पे पिता, इन दोनों की क्या करना है आपको आलोचनात्मक समीक्षा करनी है, पठित कहानियों के कथानक के आधार पर इसकी विशेषता बतानी है। तो सेम जैसे यहां पर दोनों कहानियों को लेकर के किया गया है, ऐसे यूनिट नंबर 5 की कहानियों को भी समझना है। तो यूनिट नंबर 5 में यह सारा कुछ करना है। इसके बाद आ जाता है आपका यूनिट नंबर 6, जिसमें हमको पढ़ना है निबंध के बारे में। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहले निबंध के बारे में, जिस निबंध का नाम है मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम ने लिखा है सरदार पूर सिंह ने, और करुणा नामक जो निबंध है इसको लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें क्या क्या चीजें हमको समझनी है यूनिट नंबर 6 में, इस निबंध में, मजदूरी और प्रेम में। सबसे पहली चीज है आलोचना के बिंदु, जैसे कि मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रतिपाद्य, कि मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रतिपाद्य क्या है, इसकी समीक्षा क्या है, हिंदी निबंध और रामचंद्र शुक्ल के जो करुण निबंध है इनका प्रतिपाद्य क्या है, ये सारा कुछ इस निबंध के बारे में हमको समझना है यूनिट नंबर 6 में। किसके बारे में, मजदूरी और प्रेम के बारे में। कहानियां कौन कौन सी हैं, लालपन की बेगम, पिता, हार की जीत और आकाशदीप, ये चार कहानियां आपको दो यूनिट मिला करके पढ़नी है। तो ये है यूनिट नंबर 6 तक हमने समझ लिया। आइए यूनिट नंबर 7 में देखते हैं कि क्या हमको पढ़ना है। यूनिट नंबर 7 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है निबंध का दूसरा पार्ट। दूसरे यूनिट में भी आपको निबंध पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है देवदारू, देवदारू जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, एंड इसके बाद आपको पढ़ना है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो कि विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। ओके, तो इन दोनों निबंधों के बारे में समझना है। अब इनके आलोचना के बिंदु क्या है वो समझ लेते हैं। तो इनके आलोचना के बिंदु है कि ललित निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान क्या है, कि एक अच्छे निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान क्या है निबंध लेखन में। ओके, देवदारू की समीक्षा कीजिए कि देवदारू क्या है, कैसा है, किस तरह से है, कितनी जो है इसमें एबिलिटी है। विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली की विशेषता बताओ, कि विद्यानिवास मिश्र जो है उन्होंने निबंध लिखते हैं, उनके निबंध लिखने की शैली कैसी है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका सारांश और समीक्षा कीजिए कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये सारा कुछ आपको बेसिकली पढ़ना है यूनिट नंबर 7 में। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की।
यूनिट नंबर 8 में हमको पढ़ना हिंदी की नवीन गद्य विधाएं कि नए तरीके से हिंदी में गद्य कैसे लिखा जाता है। तो नए तरीके की गद्य शैली में आता है आपका जीवनी, कि आप जीवनी लिख रहे हैं किसी की, अपनी आत्मकथा, मतलब जीवनी किसी के और की लिखी जाती है, आत्मकथा खुद की लिखी जाती है, रेखा चित्र हो गया, रिपोर्टाज हो गया, यात्रा का वृत्तांत हो गया, अपनी अपनी डायरी लिखना हो गया, ये भी गद्य है, व्यंग लिखना हो गया, पत्र साहित्य हो गया, संस्मरण हो गया, साक्षात्कार विधाओं का स्वरूपगत परिचय हो गया। ये कई सारे नए तरीके हैं जो हमें इस टाइम पर, मॉडर्न टाइम पर देखने को मिलते हैं कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी तरह से हम गद्य को नई नई विधाओं में लिख सकते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो नई विधाओं को दिखाते हैं। तो ये है टोटल आपके 8 यूनिट्स बीए थर्ड ईयर के, सॉरी बीए थर्ड सेमेस्टर के आपके हिंदी के सिलेबस में। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।